हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम अपने फिजिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, बहुत दिनों से हम बोल रहे थे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, सर फिजिक्स कब स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना पहला लेक्चर है फिजिक्स के ऊपर, काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद। तो फिजिक्स में हम लोग अपना जो पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है रोटेशनल। साथ साथ जो है आप लोग अपना नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज योर चॉइस। और मैं वैसे भी आप लोगों को नोट्स तो देने ही वाला हूँ, ठीक है, तो नोट्स तो आप लोगों को मिलेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है? तो रोटेशनल डायनामिक्स में हमको दो चीज़ें, दो टाइप के मोशन के बारे में पढ़ना है। तो मैं पहले ये ओवरव्यू आपको करा दूँ कि एक्चुअल में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में आपको जो पहली चीज़ पढ़नी है वो है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन में दो तरीके के मोशन को हम लोगों को पढ़ना है, एक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म, ये UCM का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और NUCM का मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये अभी जो पहला लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। इंट्रोडक्शन अपन लोग कर लेते पूरे यूनिट का, एक्चुअल में अपने को करना क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिपेंड करेगा पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन के ऊपर, ठीक है, रोटेशनल मोशन के ऊपर कि भाई रोटेशनल मोशन होता क्या है और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितनी टर्म्स होंगी, फिजिकल टर्म्स, वो सभी चीज़ें हमको इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है और इसमें किस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे और किस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, तो वो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसमें अपने को व्हीकल का कंसेप्ट पढ़ना है, व्हीकल ऑन कर्व रोड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर में अपने को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में व्हीकल अगर अपने को मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के साथ ले जाना हो बैंक्ड कर्व रोड के ऊपर, तो वो चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर एक चीज़ें अपने को स्पीयर ऑफ डेथ दिया हुआ है, देखो डेथ की बात चल रही है यहाँ पर, मरने की बात चल रही है, सॉरी, स्पीयर ऑफ डेथ, या इसको वेल ऑफ डेथ बोल रहे ना, मौत का कुआ जो आपने सुना होगा कभी, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्पीयर ऑफ डेथ या वेल ऑफ डेथ, डेथ है सॉरी, ठीक है, मौत का कुआ जिसको अपन बोलते हैं, वो एक कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ना है, वेल ऑफ डेथ, ठीक है, ये एक टॉपिक है। उसके बाद में बहुत एक टॉपिक और भी है यहाँ पर, व्हीकल, और ठीक है एक दो टॉपिक और भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पर्टिकुलरली चीज़ हमको यहाँ पर पढ़नी है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इससे रिगार्डिंग होंगे, ठीक है, इससे रिगार्डिंग टर्म्स बहुत सारे होंगे। जैसे कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड जुड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड जुड़ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है वो भी इससे रिलेटेड जुड़ जाएंगी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी जुड़ जाएगा, और इनके रिलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, मतलब सर्कुलर मोशन में ये टर्म्स आ रही है जिसमें हम एंगुलर एंगुलर लगा रहे हैं, ठीक है, और जो टर्म्स आ रही किससे रिलेटेड, ट्रांसलेशनल से रिलेटेड, या हम बोल सकते हैं लीनियर मोशन, आप समझते हैं ना, सीधी लाइन में जाने वाला चीज़ लीनियर मोशन से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड ये टर्म्स है। तो सब वो चीज़ें हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ ओवरव्यू करा रहा हूँ आपको, मैं वो सब चीज़ें यहाँ यूनिफॉर्म में देखनी है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताएंगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ पढ़नी है जिस पर ज़्यादा फोकस होगा अब, पहले इस पर था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, अब आते हैं वर्टिकल, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और इसमें हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, दैट इज वेलोसिटीज के बारे में पढ़ना है, वेलोसिटीज एट डिफरेंट
डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, जो हम बोल रहे हैं ना एक्चुअली, अब ये होता क्या है, ये सब चीज़ें जो है मैं बताने वाला हूँ आपको कहाँ, जब हम यूनिट पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी सिर्फ आप कंसिडर करें कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो फिर ये तो वेलोसिटीज की हम बात कर रही है डिफरेंट पोजीशन में। डिफरेंट पोजीशन कौन सी होंगी भैया, तो ये एक पोजीशन होंगी, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, इसको हम बोलेंगे टॉप पोजीशन, इसको हम बोलेंगे मिड पोजीशन और इसको हम बोलेंगे बॉटम पोजीशन। तो इन पोजीशंस के ऊपर पार्टिकल की, बॉडी की, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होंगी वो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर और दूसरी चीज़ यहाँ पर वेलोसिटी के साथ साथ इसको पहले बोल देंगे, दूसरी चीज़ हम लोगों को यहाँ लेनी है दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये भी बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब कि अगर मान लो कि एक एक धागा है, एक कोई मराठी में कहला दोरी बनता है ना, इंग्लिश में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो एक स्ट्रिंग से मान लो आपने एक धागे को बांध दिया, धागे को नहीं सॉरी, एक धागे से आपने एक पत्थर को बांध दिया, एक स्टोन को बांध दिया और उसको आप अभी घुमा रहे हो, इस तरीके से वो घूम रहा है या इस तरीके से वो घूम रहा है, तो इसमें क्या आएगा। अब ये तो अपने को पता ही है कि अगर मान लो अपन ने एक स्ट्रिंग को इस तरीके से बांध के रखा और यहाँ पे अपने एक पत्थर इसको टांग के रखा, तो हम देखते हैं कि यहाँ टेंशन आता है, आता कि नहीं, जैसे तुमको टेंशन आता है वैसे इसको भी आता है। तो यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन दो तरफ दिखेंगी, अगर हमें इसके रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो टेंशन ऊपर रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में रिजिड सपोर्ट, एक सपोर्ट है ना रिजिड सपोर्ट, इसके रिस्पेक्ट में टेंशन कहाँ रहेंगी नीचे। तो यहाँ पर टेंशन हम लोगों को देखने को मिलता है किसके अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर। तो वो टेंशन के लिए भी अपने को बताना है एक्सप्रेशन इस केस में, जिसमें हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है इसमें सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी, बड़ा यूनिट है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं इसको पूरा यहाँ से, आप इसको नोट वोट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं इसको सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ सब चीज़ों का, इसको मैं यहाँ से अभी फिलहाल गायब कर दूंगा, ठीक है। तो ओके यहाँ इसको भी मैं गायब कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है रोटेशनल मोशन की, ठीक है, अब बात आती है रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में मतलब होता क्या है रोटेशनल मोशन, ये भी देखना है और साथ साथ किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना होगा इस यूनिट में। तो यहाँ सबसे पहले चीज़ जो हमको पढ़नी होगी वो होंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये MI का मतलब है, MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ये वॉइस थोड़ी बाहर की आ रही है, बुरी सी बकवास सी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये पढ़ना है रोटेशनल मोशन में, और कुछ इससे भी रिलेटेड टर्म्स आती हैं, टर्म्स मतलब जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिजिड बॉडी, ये वर्ड्स आएंगे ना अपने को पता होना अगर जो वर्ड आ रहे हैं, रिजिड बॉडी एंड सो ऑन, ऐसे एक दो वर्ड्स और भी देखने मिलेंगे, मैं साथ साथ बताऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक टर्म आ जाएंगी काइनेटिक एनर्जी, अपने को निकालना है ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, ये सब ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी आप समझ लो मतलब कि कितना बड़ा टॉपिक है ना, मोटा टॉपिक है मोटा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, उसके बाद अपने को निकालना है टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग, ये टॉर्क क्या होता है ये देखेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी ये निकालना होता है अपने को इसमें। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सभी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडी। उसके बाद कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल, जैसे इस पे मैं बोल रहा हूँ इस पे भी होते हैं न्यूमेरिकल कंजर्वेशन के ऊपर। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस पर एक टॉपिक है, और इस पे जो है एक अपने को डेरिवेशन करना है इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अब इसमें मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, अपने को एक और टॉपिक करना है, थ्योरम है यहाँ पर दो, ठीक है, थ्योरम है,
ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसके बाद आता है एक्चुअली टॉपिक थ्योरम वाला। तो इसमें अपने को आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। एक आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इतनी सारी चीज़ें हमको इस यूनिट में पढ़ना है। मतलब एक्चुअल में अपने को काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करनी है इन दोनों यूनिट्स में। तो पहला जो यूनिट है, मतलब एक्चुअली देखा जाए ना तो रोटेशनल डायनामिक्स, ये दो यूनिट दो चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो पहले के सिलेबस में दो अलग अलग सेपरेट यूनिट थे, एक फर्स्ट यूनिट जिसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन था, फिर थर्ड यूनिट था एक रोटेशनल मोशन। अब इन दोनों को जोड़कर उसने बना दिया है रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को पढ़नी है किसमें, इसमें तो हमारे यूनिट में जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। सो अब मैं स्टार्ट करूंगा अपना लेक्चर। तो अभी तक क्या कर रहे थे सर? हाँ, वो तो स्टार्ट था ही, लेकिन वो इंट्रोडक्शन था। लेकिन ये जो पार्ट है, अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आप नोट भी आपको करना है। वैसे तो मैं नोट्स देने ही वाला हूँ जैसे मैंने कहा है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं रोटेशनल डायनामिक्स इस यूनिट को स्टार्ट करूंगा। तो इसको मैं रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट वन ऐसा करके नाम दे रहा हूँ मेरे तरफ से, ठीक है। इसको मैंने मेरे तरफ से नाम दिया हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स वन, ठीक है। अब रोटेशनल डायनामिक्स वन में सबसे पहली टर्म हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, देखो मैं धीरे धीरे बताऊंगा चीजें, समझाकर चलूंगा, ज़्यादा मैं फास्ट नहीं लूंगा किसी चीज़ों को, ठीक है, आराम से समझाऊंगा। अब सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो सर्कुलर मोशन हमारे लिए कोई नया मोशन नहीं है, ठीक है। इन जनरल अगर हम मोशन को क्लासिफाई करेंगे, मोशन को हम लोग अगर समझेंगे, तो मोशन क्या होता है? तो मोशन हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, हमने अपनी घड़ी को देखा और हमने देखा कि ये पार्टिकल यहाँ इस पोजीशन a पर है, और थोड़े देर के बाद मान लो 2 सेकेंड के बाद हमने देखा कि ये पार्टिकल यहाँ कहीं पर पहुँच गया पोजीशन b के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल इन ड्यूरेशन में, मतलब इस पोजीशन a से इस पोजीशन b पर जाते टाइम पर, यानी कि उस समय पर या उस ड्यूरेशन में, इन दिस ड्यूरेशन द पार्टिकल द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इसका मतलब कि मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती हो कंटिन्यूसली, अगर वो चेंज कर रही हो, थोड़ी देर के बाद देखा ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर के बाद देखा यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर के बाद देखा यहाँ पहुंच गया, तो पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसे है, इज इन मोशन। समझ में आया? तब हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल कैसा होगा, मोशन में होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ समझ में आ रही है अपने, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ जनरल टर्म मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ जो टर्म हमने यहाँ डिफाइन करी मोशन की, एक चीज समझते हैं क्योंकि कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड आ जाती है, ठीक है, उनको समझना जरूरी है। तो मान लो कि ये, सॉरी, मान लो कि ये एक रोड है, ठीक है, या कोई एक सरफेस है, ये बॉल यहां पर था या कोई ऑब्जेक्ट ए यहां पर था, कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर आया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां बी पर पहुंच गया। अब यहां से यहां इस अंतराल में या इस ड्यूरेशन में या इस जगह से इस जगह जब वो ऑब्जेक्ट गया, तो ऑब्वियसली उसने कुछ टाइम कंज्यूम किया होगा। उसने क्या कंज्यूम किया होगा? एक टाइम जो है यहाँ पर उसने कंज्यूम किया होगा, ठीक है। मतलब कि चेंज आया, किसमें चेंज आया, हम बोलेंगे टाइम में चेंज आया। उसके बाद हम बोलेंगे कि इसने यहां से यहां, मतलब इसका जो, इसकी जो लोकेशन है, जो लोकेशन या इसका जो प्लेस है
वो भी चेंज हुआ, मतलब हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस कवर किया। इसने क्या किया? डिस्टेंस कवर किया, या इन जनरल अगर हम बोलेंगे कि द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, हम इन जनरल बोलेंगे कि द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमको पता है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, ठीक है, तो हम डिस्टेंस ना बोलते हुए एक वर्ड यहाँ पर लेकर आते हैं विच हैविंग सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट हम लेकर आते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिला, मतलब ये टर्म यहाँ पर आ गई ऑटोमेटिकली जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये एक टर्म यहाँ पर आ गई, तो मैं इस टर्म को यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर इस टर्म को लिख लूंगा। तो एक टर्म मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो हमारे सामने आई है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और दूसरी चीज कि इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए क्या इसको क्या कोई टाइम नहीं लगा? लगा, बिल्कुल लगा। तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था x1, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था x1, और यहाँ पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है वो x2, मतलब यहाँ पर मान लो x इज इक्वल टू हम 0 ले रहे थे, यहाँ x2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, 2 यूनिट कुछ भी होगा। तो इसने क्या किया, इसने डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, इसको हम बोलेंगे x2 माइनस x1, और मान लो यहाँ टाइम t इज इक्वल टू मैं 0 ले रहा था, तो यहाँ टाइम t इज इक्वल टू कुछ 2 सेकंड में ले लेता हूँ, तो यहाँ टाइम में भी चेंज आया, इसको हम बोलेंगे t2 माइनस t1। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली होता क्या है, ये तो होती है वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब कि अगर कोई पार्टिकल या अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई बॉडी मोशन में हो या मोशन कर चुकी हो, तो यहाँ पर एक टर्म जनरेट हुई दैट डिस्प्लेसमेंट, अनदर टर्म विच इज जनरेटेड एज अ वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर दूसरी टर्म भी जनरेट हो गई जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तीसरी चीज कि वेलोसिटी आई, हो सकता है वेलोसिटी पहले पार्टिकल धीरे धीरे जा रहा हो, फिर पार्टिकल ने अपनी स्पीड बढ़ाया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और टर्म, क्योंकि वेलोसिटी से रिगार्डिंग दो तीन टर्म्स यहाँ पे जनरेट होंगी, वो हम देखेंगे आगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इस तरीके से। तो ये वेलोसिटी से रिगार्डिंग टर्म्स होंगी, वो देखेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सलरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। यार अब देखो ये सभी टर्म्स अपन लोग पहले भी पढ़ चुके थे। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या? तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे कि वहां पर क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे अपने को यह पता चल रहा है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन, सॉरी, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन, या फिर एक और नाम यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर कोई बॉडी लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है, तो इन टर्म्स का वहां पर इंट्रोड्यूस होना जरूरी होता है, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, या जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें इसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन अब ये सभी चीजें लीनियर मोशन के साथ आने की वजह से हम इनको नाम देंगे, अगर इसके सामने अगर मैं लीनियर जोड़ू तो मैं इसको बोलूंगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको बोलूंगा लीनियर वेलोसिटी, और मैं इसी को बोलूंगा लीनियर एक्सलरेशन, क्लियर। तो ये वर्ड्स आ जाते हैं मोशन से रिलेटेड रिलेटेड वो जब लीनियर मोशन परफॉर्म हो रहा हो किसी भी बॉडी का, क्लियर है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हमने यहाँ पर देखी, जिसको मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कब आई बॉडी में, या ये कब इंट्रोड्यूस हुई? जब उस वो क्या कर रहा था, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था? मोशन परफॉर्म कर रहा था। जब वो मोशन में था या वो मोशन परफॉर्म कर चुका था, तब ये सब चीजें जो है वो कुछ न कुछ उसमें चेंज आया,
और वो चीज हम लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आई। क्लियर? ठीक है, तो उसी वे से हम ये भी बोलेंगे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो भी उस केस में ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फर्क थोड़ा होगा। मतलब कि अगर हम उनके बात करें तो यहाँ पे हमने जब लीनियर लिखा हुआ है तो अब हम लीनियर लीनियर ना लिखते हुए इसके सामने एक और वर्ड जोड़ देंगे जो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि ये मोशन लीनियर नहीं होती, तो उसके सामने एक दूसरा वर्ड जुड़ जाता है, लेकिन है तो यही टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी हम डिफाइन करेंगे। तो अभी मैं बात करूंगा सर्कुलर मोशन की, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है अभी। ठीक है, तो बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, बता देता हूँ। हाँ, मजा आ रहा है ना? समझ के चलो चीजों को आराम से। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है अपने को। थोड़ा सा मैं आधे घंटे के ऊपर का लेक्चर बनाऊंगा, फर्स्ट लेक्चर, ज्यादा बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा अभी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन हमारे डेली लाइफ में हम लोग देख ही चुके हैं, जैसे कि घड़ी का काटा है ना। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, अब मैं सर्कुलर मोशन, मेरे पास में थोड़ी सुविधा है तो मैं उस सुविधाओं का इस्तेमाल करूंगा। सॉरी, आगे अरे ये है। ठीक है, तो मैं एक सर्कल यहाँ आपके सामने ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लो ये एक सेंटर है, सर्कल है, और ये एक ऑब्जेक्ट, ये मैंने इसको कुछ पोजीशन फिक्स कर दिया, और मैं एक स्ट्रिंग लिया और मैंने इस ऑब्जेक्ट को बांध दिया एक स्ट्रिंग से, और मैं अब इस पार्टिकल को या इस ऑब्जेक्ट को या इस बॉडी को घुमा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड लेंथ है। लेंथ कैसी है? फिक्स्ड है, तो ये कम ज़्यादा नहीं होने वाली। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूमेगा ठीक है, तो ये जो मोशन होगी इस पत्थर की, इस स्टोन की, इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की, इस पार्टिकल की, ये वर्ड्स आ जाते हैं ना, इसलिए अपन सभी चीज़ें ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ले लिए। ठीक है, तो कोई बयर नहीं, तो ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष है हम लोग। ठीक है, हाँ, तो स्टोन, ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल, तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बॉडी जो परफॉर्म करेगी, ये थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा, फिर तुम्हारे सर पे जाके लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये जो मोशन हो रही है इस स्टोन की, ठीक है, ये जो मोशन है इस मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो फिजिक्स में अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन क्या होगा उसकी एक स्पेसिफिक छोटी सी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन होगी अ सर्कुलर मोशन, सॉरी, अ सर्कुलर मोशन इज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of the
उत्तर का, ठीक है। अगर कोई मोशन सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग होती हो, ये सर्कमफरेंस है तो इसके अलोंग अगर होती हो तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन डिफाइन या स्पेसिफाई करेंगे कि ये मोशन जो होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। अब इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमको अपने डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि एक जो मिनट हैंड या सेकंड हैंड है ना, मिनट हैंड या मिनट हैंड तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम बोलेंगे टिप ऑफ अ मिनट हैंड, ठीक है, टिप, ठीक है, टिप बने कि जैसे मान लो कोई घड़ी है ना, ये घड़ी है तो ये मिनट हैंड है मान लो ये, तो इसका जो टिप होगा, टिप, ये टिप जो होगा ना, टिप, ये वाली बात कर, तो टिप ऑफ मिनट हैंड, मिनट बोलो या सेकंड बोलो या फिर आप इसको आवर हैंड बोलो, ठीक है, तो आवर हैंड बोलो, तो ये सभी मिनट, टिप ऑफ मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, इस तरीके से, तो ये जो टिप होगा इसका, इसकी जो मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, सिर्फ टिप को ऑब्जर्व करना है, इसको, ये कोने को ऑब्जर्व करना है, पूरे मिनट इसको नहीं, कांटे को नहीं, सिर्फ इस टिप को, तो इस टिप को तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर तो ये हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ फिक्स है, और ये टिप को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे इसकी मोशन जो है अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होंगी, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन होंगी। सेकेंड हम बहुत काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होंगे ये भी जो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी हम सर्कुलर मोशन ही बोलते हैं, अर्थ के अलॉन्ग घूम रहे हैं वो। थर्ड हम बोल सकते हैं कि हमारी खुद की जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड घूम रही है, उसको भी हम सर्कुलर मोशन कंसिडर कर लेते हैं, कई कई जगह पर हम नहीं करते लेकिन इन जनरल हम लोग उसको सर्कुलर मोशन कंसिडर कर लेते हैं। चौथी चीज़ हम लोग अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऑर्बिट के जो एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, इस तरीके से अपनी एक मोशन परफॉर्म करते हैं, और उस मोशन को भी हम एज अ सर्कुलर मोशन क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन समझ में आया? यस, तो सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला सर्कुलर मोशन, और अगर हमने बोला मोशन तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो निकल कर आती हैं। तो सबसे पहली टर्म तो यहाँ पर आती है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम इंडिकेट करते हैं थीटा से, ठीक है, ये पहली चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिगार्डिंग सभी चीज़ें देखेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसका यूनिट देखेंगे सभी, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो देखें अगर से सर्कल यहाँ ले लेता हूँ, तो मान लो कि यहाँ एक हमने सेंटर ले लिया और यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट था इस पोजीशन ए पर, ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़े एकदम बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया बी पर, ठीक है, ठीक है। तो थोड़े टाइम इंटरवल में ये ऑब्जेक्ट इतना मतलब ये डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर पहुँच गया, पहले ए पर था, अब उसका ये जो पोजीशन है ये इनिशियल पोजीशन है और ये जो पोजीशन है वो उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये कैसी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ एक टर्म आने वाली है, देखो अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो ये ओ ए या ओ बी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल की रेडियस, करेक्ट, क्या बोलेंगे, रेडियस। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं और जब हम कोई एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम इसको
ये वर्ड के साथ बुलाते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस वेक्टर या समटाइम्स पोजीशन वेक्टर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, अब बात आ रही वेक्टर की, तो भाई इसकी डायरेक्शन भी होंगी, है ना। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का एक डिस्टेंस जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो उसको हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मैं इधर भी बोलूँ यहाँ ओ ए, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा ओ ए वैक्टर, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ओ बी वैक्टर। ठीक है, तो ये एक्चुअली दोनों अब क्या बन गए, ये दोनों है रेडियस वेक्टर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज कहाँ रहेगी? सेंटर से अवे। ठीक है, तो यहां से ये ओए एक, ठीक है, तो अब यहां पर जो हम रेडियस वेक्टर की बात कर रहे थे तो उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो रेडियस वेक्टर जो है थोड़े टाइम के बाद, मतलब अगर हम यहां पर इसको T1 ले लेते हैं टाइम, तो T2 टाइम पर ये B पर पहुंच जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो है वो इस टाइम इंटरवल में, मतलब हम इसको अगर डेल्टी बोलेंगे, दैट इज T2 माइनस T1, इस टाइम इंटरवल में एक एंगल परफॉर्म करेगी। ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा है मतलब इस टाइम इंटर, ऑब्वियसली इस टाइम इंटरवल में अगर ये परफॉर्म कर रही है मोशन, तो मोशन में अपनी पोजीशन को जरूर चेंज करेगी। तो T1 के बाद T2 पर या T3 पर या कहीं और पहुंच गई होंगी, तो इसने एक एंगल परफॉर्म किया होगा सेंटर के अलोंग, यहाँ पर एक एंगल परफॉर्म किया होगा, और इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज द एंगल। ठीक है, ये क्या है? इज द एंगल विच द रेडियस वेक्टर, सॉरी, विच द रेडियस वेक्टर और पोजिशन वेक्टर भी बोलते हैं इसको, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल स्वीप्स आउट। देखिए ये वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, स्वीप्स आउट का मतलब क्या होएगा? स्वीप्स आउट का मतलब ये होएगा या होगा कि यहाँ पर कि जो कवर करना, ठीक है, कवर करना मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल कवर हुआ, यहाँ से यहाँ तक एंगल कवर हुआ, इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल कवर हुआ स्वीप्स आउट इन दैट टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल की बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम इंटरवल में जो एंगल यहाँ पर बना है उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है या एक, अब ऑब्वियसली एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये स्केलर है या वेक्टर है ये चीज समझना पड़ेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली दो तरीके से हम लोग बताते हैं, अगर हम इसको इस क्वांटिटी को स्केलर या वेक्टर के तौर पर अगर हम ले लें तो हम इसको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरीके से, जैसे अगर हम दो तरीके से, यानी कि एक फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ठीक है, तो देखो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक वैल्यू द मोर देन 6 डिग्री और 10 डिग्री हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कई बार,
तो मोर देन 10 डिग्री अगर है तो हम उसको फाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं। तो इस केस में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट हो, मतलब द इट इज मोर देन 10 डिग्री, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इफ इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मीन्स जस्ट ग्रेटर देन जीरो और इट इज लेस देन 6 डिग्री, ओके, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर दो तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं, एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर वो फाइनाइट हो, इट इज ग्रेटर देन 6 डिग्री और 10 डिग्री, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी, और इट इज लेस देन 6 डिग्री और 6 डिग्री के आसपास हो तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके ओके, चलो ये भी समझ में आ गया। अब एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है इससे रिलेटेड, वो ये कि भाई अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी करके बोल दें, तो फिर इसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है, मुद्दा इस पर है कि भाई इसका डायरेक्शन होगा क्या, इसका डायरेक्शन हम निकालेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे? तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम कुछ एक रूल है हमारे पास, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए हम इसको समटाइम जो है, अब देखो मान लो कि ये एक मैंने सर्कल बनाया, ऑब्वियसली जब मैं चपटा सर्कल बनाऊंगा तो समझ जाना कि मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हमारे पास सुविधा है तो हम इसको सुविधा का इस्तेमाल जरूर करेंगे सर्कल में। ठीक है, ये मैं सर्कल बनाया यहाँ पर एक, और मैं एक सर्कल यहाँ बना रहा ये वाला सर्कल। ठीक है, तो मैं दो सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर हम क्या कर दिया यार, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो कि ये पार्टिकल है कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है बोल देंगे मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्ले में थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर कहीं आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम बोलेंगे इसको यहाँ पर कहीं आ गया होगा। तो आप इसको समझो ये दोनों अलग है। अगर इसकी बात करूँगा तो ये कैसे प्लेन में है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अन्नी ये जो है, अन्नी ये जो है, ये है वर्टिकल प्लेन में। ये तो आप समझ लेते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन है नहीं, और ये वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पर इसने एक एंगल परफॉर्म किया होगा, यहाँ पर इसने एक एंगल परफॉर्म किया होगा। ठीक है, ये रेडियस वेक्टर है, अगर मैं इसको बोल दूँ ए, ये बी, तो ये इसके डायरेक्शन इधर होंगी आउट, हमेशा आउटवर्ड। यहाँ पर भी इसको मैं अगर पी ले लूँ, इसको मैं क्यू, ठीक है, तो ये आउटवर्ड होंगे। तो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएंगा उसकी डायरेक्शन निकालना है। वो कैसे निकलेंगी? तो अगर ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है तो वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमको एक रूल यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसकी मदद से ही डायरेक्शन निकाली जाती है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो वो लगाने के लिए हम कैसे लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर अपने राइट हैंड को रख दिया, ठीक है, और हमने अपने राइट हैंड को रख दिया कुछ ऐसे, तो हमारी उंगलियाँ जो है कुछ इस तरीके से मुड़ गई। ठीक है, और हमारा जो थंब है वो थंब हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, थंब ये मैं सॉरी आई कांट मेक इट वेरी क्लियर, बट हमारा थंब जो है वो ऊपर की तरफ दिखेगा, समझ रहे हो ना आप? या आपने इस तरीके से अपने राइट हैंड को कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर आपकी उंगलियाँ कुछ इस तरह से मुड़ रही है, अपनी जो उंगलियाँ मुड़नी चाहिए वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है आ गया, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होना चाहिए। देखो आपकी कर्व फिंगर जो है मेरी इस तरीके से, अगर आप राइट हैंड में लेते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेंगी,
इस तरफ और आपका जो अंगूठा है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि अगर इस तरीके से घूम रहा है तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ होंगी, अपवर्ड होंगी। समझ में आई बात, अपवर्ड होंगी। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमको कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो थंब है वो हमारा थंब कहाँ आएगा, तो आउटवर्ड आएगा। हमारा थंब कहाँ आएगा, आउटवर्ड आएगा। ठीक है, आउटवर्ड आएगा कि नहीं। आप उंगलियों को इस तरीके से इस रोटेशन में घुमाएंगे तो आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगी वो आउटवर्ड होंगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ होंगी। अगर ये ऐसे इस डायरेक्शन में अगर घूमता तो हम बोल देते कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होती। ठीक है, आपकी उंगलियाँ कुछ इस तरह से होती और आपका थंब नीचे की तरफ जाता तो आप बोलते कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ होती। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है। क्लियर? चलो, डायरेक्शन की बात भी हो गई। ओके, उसके बाद बात आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के SI यूनिट की। ठीक है, SI यूनिट की, तो इसको दिमाग में रखना कि इसका जो SI यूनिट है वो है रेडियन। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या है, रेडियन, जिसको हम RAD के साथ में इंडिकेट करते हैं। डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस कुछ नहीं होते, M0, L0, T0 कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो हम इस क्वांटिटी को डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोल देंगे। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोल देंगे, और इसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल वेक्टर क्यों, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस होता है, इसलिए हम इसको एक्सियल वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, जरूरी। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो भाई इसके जैसा यूनिट के बारे में भी चीज़ें समझ में आ गई हमको। यस, मिटा दूँ। फाइनली एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं और अपना टॉपिक आज जो लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट, वो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एक चीज़, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज, इसका क्या मतलब है? तो मान लो कि हमने एक सर्कल यहाँ बनाया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर पहुँच गया। तो मैं अगर बोलूँ कि आपको कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है बाउंड्री के ऊपर, ये डिस्टेंस है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बी बोलूँ तो ये जो आर्क है यही है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही है राइट चॉइस, वही है वट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एस से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ जो आया, जिसको हम लोग थीटा, जिसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम सेंटर बोले तो ओ से लेके ए या ओ से लेके बी, इन जनरल हम इसको एक रेडियस बोलेंगे, तो ये हो गई रेडियस। ठीक है, तो एक जो रिलेशन है इनके बीच में वो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलेंगे, आर्क लेंथ को एस बोलेंगे और यहाँ पर इसको हम आर बोलेंगे। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर आर्क लेंथ एस आर, तो इस तरीके से हम लोगों को एक रिलेशन मिलता है किसके बीच में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और रेडियस भी बोल सकते हैं साथ में। तो ये आर जो है यहाँ पर रेडियस है मैग्नीट्यूड में, अगर वेक्टर के फॉर्म में लोगे तो आप वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कई बार इस तरीके का रिलेशन यूज करते हैं, अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये देती है हमको रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायमेंशन हो गया, सभी हो गया, राइट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन निकलता है, वो सब चीज़ें, वो सभी चीज़ें मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बताऊँ, देखो यहाँ पर ये जो चीज़ हमने लिखी, ठीक है, ये वाली चीज़, तो ये स्केलर फॉर्म है। ठीक है, स्केलर फॉर्म मतलब जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो
कुछ इस तरीके से होगा, नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है शायद, तो ये कुछ ऐसे होगा। डेल एस, देखो डेल का मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तभी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल का एक छोटा सा पार्ट वही एक लाइन की तरह कंसीडर होगा और वही वेक्टर क्वांटिटी होंगी। तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल थीटा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। नोट्स में थोड़ा सा इसको अपने को सही करना होगा, तो डेल एस इज इक्वल टू डेल थीटा क्रॉस आर, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो ही आप सही हो, अगर आप ऐसा लिख देंगे आर क्रॉस डेल थीटा देन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेल थीटा क्रॉस आर ये है एक रिलेशन, जिसको अगर आप वेक्टर में लेते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आप लोगों को जितने चीज़ें बताई है वो चीज़ें आपको अंडरस्टूड हुई या नहीं, ये फीडबैक में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, आई एम योर फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।